सर, आप पौराणिक कथाओं के माध्यम से कुछ खास शख्सियतों के बारे में बताया, तो समसामयिक में कुछ ऐसी खास शख्सियत हुई है जिनके की विषय में हमें जानना चाहिए? बिल्कुल, कई हुए हैं। अगर आप बिहार चले तो बिहार में सोनपुर मेला है जी। सोनपुर मेला है जिधर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला वहाँ होता। वहां मैं जब जाता हूँ तो अक्सर वहाँ के लोग बोलते हैं कि भाई ये वो पशु मेला है जहाँ से कि वीर कुंवर सिंह ने अपने घोड़े को लिया था। तो वीर कुंवर सिंह स्वतंत्रता सेनानी हुए, लगभग 80 साल के हो गए थे, सन 1857 का, चमक कुटी सन 57 में। वो नायक थे एक जी। वो उसके एक नायक थे, बिहार से वो नायक थे और 80 साल की उम्र हो गई थी उनकी, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा था। और उस वक्त वो जगह जगह लोगों को प्रोत्साहित करते और ये बताते कि किस तरह अंग्रेज हमारी पूरी सभ्यता संस्कृति का नाश कर रहे हैं, कैसे शोषण कर रहे हैं हमारा, और इनसे मुक्ति की आवश्यकता क्यों है। तो एक बार कुछ इस तरह की बात चल रही थी तो अचानक अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने युद्ध शुरू कर दिया। तो इधर वीर कुंवर सिंह कुछ लोगों के साथ और उधर अंग्रेजों की पूरी सेना, बोले गोलाबारी चलनी शुरू हो गई। ये उस समय गंगा पार कर रहे थे तो नाव के ऊपर गंगा पार करते चले गए, ये खुद कवर फायर देते चले गए और बाकी लोगों को पार कर गए। जैसे वो गंगा पार कर रहे थे एक गोली आकर उनके भुजा में लग गई, बाई भुजा में लग गई थी। तो जो बाई भुजा में लग गई थी उन्हें पता चल गया कि अगर ये रहा इसके अंदर तो इसके बारूद से संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाएगा, इसलिए उन्होंने उसी समय अपने दाहिने हाथ से तलवार निकाला था और बोला था, मां गंगा ये हाथ तुम्हारे लिए, और अपना हाथ काट के गंगा मां को अर्पित किया था। तो ऐसे 80 साल के वीर कुंवर सिंह याद करनी चाहिए हम लोग ऐसे लोगों के बारे में। बहुत ही महान, बिल्कुल महान शख्सियत, बिल्कुल। और अगर अभी और समसामयिक आप देखना चाहते हैं तो मेजर जनरल इयान कार्डोजो, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन रहे हैं। अच्छा। तो मुलाकात क्यों, अभी भी जीवित हैं, मिल सकते हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान के पाकिस्तान या चाइना के साथ युद्ध में थे, हिमालयन रेंज में। तो हिमालयन रेंज में जब युद्ध में थे तो युद्ध हो रहा है और वो बढ़ते चले जा रहे हैं आगे 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 आगे, और अचानक पैर एक लैंड माइन के ऊपर गिरता है और लैंड माइन फटता है जिससे कि उनका पैर पूरी तरह चोटिल हो जाता है, बारूद घुस जाता है उसके अंदर, शीशा घुस जाता है उसके अंदर। तो उन्हें उठा के कैंप में लिया जाता है और वो पूछते हैं कि अच्छा ये बताएं कि डॉक्टर कितनी देरी में आएंगे। तो डॉक्टर बिल्कुल आने वाले हैं ऐसा बोला गया उनको, और डॉक्टर का वो इंतजार कर रहे हैं। कुछ आधा घंटा एक घंटा के ऊपर बीत गया और डॉक्टर तब तक पहुंच नहीं पाया। वो दोबारा पूछे कि डॉक्टर कब तक आएंगे भाई, तो बोले कि नहीं अब तक आ रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि हिमालय में युद्ध क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह जाने में तब तक उन्हें समझ आ गया था कि संक्रमण अगर ऊपर गया तो इस लायक नहीं रहेंगे कि वो जीवित रहे। तो उन्होंने हिमालय को अपना पैर कुकरी से दे दिया था, कुकरी निकाला और खुद काट दिया पैर अपना, मेजर जनरल इयान कार्डोजो। इनकी चित्र हम लोग हमने अपनी कमिटी हॉल में बना रखी है, और आपको भी बात करें, बड़े उत्साही व्यक्ति आज भी। अच्छा। 80 साल की उम्र में RPWD एक्ट और पैर कटा हुआ था। हाँ, एक पैर कटा हुआ अभी भी, उसके बाद उन्होंने अपना पैर लगाया, नकली पैर, और उस पैर से माउंटेनियरिंग, रनिंग, अच्छा, इन सारे पैरामीटर्स को पार किया। और एक इन्फेंट्री कमांड करते हैं, उनसे पहले दिव्यांगों को कमांड करने के लिए चीज, मतलब फौज कमांड करने की सुविधा या फौज की टुकड़ी को कमांड करने की सुविधा नहीं दी जाती थी। इन्होंने बिल्कुल पैर लगाया और वापस अपने अपनी अपनी जो जो भी क्षमताएं थी साधारण व्यक्तियों से ज्यादा उन्होंने उपलब्धि रखी। तो जाहिर सी बात है कि अंगों के बाहर भी कोई एक दिव्यता है जो कि काम कर जाती है, तब एक वीर कुंवर सिंह अपना हाथ दे जाता है, एक मेजर जनरल इयान कार्डोजो अपना पैर दे जाते हैं, और एक नाचे मयूरी एक्सीडेंट के बाद भी दूसरी पैर लगाकर, नकली पैर लगाकर, आर्टिफिशियल लिम लगाकर एक बहुत सुंदर नृत्यांगना बन जाती है कि नहीं। तो ऐसे लोग हैं जो कि प्रेरणादायी हैं, हमारे भारतवर्ष में है, अभी है और यहीं है। जी जी, बिल्कुल सर।